फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्योपैथी केयर। मैं डॉक्टर ज्योति, आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ गोनेडल हार्मोन जो FSH है और LH है, उनके फंक्शन बताऊंगी इस वीडियो के जरिए। तो हम पहले FSH के फंक्शन देखते हैं इन मेल्स में। इन मेल्स में देखा जा रहा है कि सबसे पहले जो स्पर्मेटोजेनेसिस वाली जो प्रोसेस है उसको वो रेगुलेट करता है, कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसको कन्वर्ट करता है इन सेकेंडरी स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड सेकेंड जो मेन इंपॉर्टेंट काम है इसका, वो ये देखता है कि सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर होता है उसका डेवलपमेंट करता है। इन फीमेल्स में हम देखते हैं कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमें नाम से ही क्लियर आ रहा है फॉलिकल्स जो जब प्रीमॉर्डियल फॉलिकल्स होते हैं उसको प्राइमरी फॉलिकल्स पे ये कन्वर्ट करता है। मतलब जो फॉलिकल्स होते हैं या एग होते हैं, जो अंडा होता है, उसको डेवलपमेंट का काम करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेट करता है जिससे उसका साइज या फिर उसके शेप प्रीमॉर्डियल से वो प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होने का काम करता है। एंड देन मेंस्ट्रुअल साइकिल में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम सेकेंड बात करते हैं LH की, जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। ये भी हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन मेल एंड फीमेल्स में। जब हम मेल्स में देखते हैं कि ये इंटरस्टिशियल सेल्स जो होती है ऑफ लेडिंग, उसमें जब एक्ट करता है, उसमें एक्ट करने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करता है, एंड्रोजन को। एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है, यही हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ही मेल हार्मोन जिसे हम बोलते हैं, यही आगे जाके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट करता है इन मेल में। और दूसरा जो काम करता है, ये रेगुलेट करता है उसमें भी, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो फॉलिकल करता है उसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस में भी ये हेल्प करता है। अब हम फीमेल में देखते हैं कि फीमेल में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है उसका मेन रोल या इफेक्ट क्या होता है। फर्स्ट जब हम देखते हैं कि मैच्योर करता है ग्रेफियन फॉलिकल्स जो होता है उसको मैच्योर करता है। जब फॉलिकल्स को मैच्योर करके कन्वर्ट करेगा ग्रेफियन फॉलिकल्स में, वेयर रप्चर, जब फॉलिकल्स रप्चर होता है, रिलीज होता है ओवम इन एब्डोमिनल कैविटी और थ्रू फिम्ब्रिया उसको रिसीव करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये कुछ ये LH उस टाइम पे बहुत सर्ज होता है। सर्ज में हम देखते हैं कि जिस टाइम पे LH सर्ज कब होता है, ओवुलेशन के कुछ टाइम पहले ही LH सर्ज होना शुरू कर देता है और ओवुलेशन में ये हेल्प करता है। सेकंड हम देखते हैं कि जो हमारी सेल्स होती हैं कन्वर्ट का काम करता है ड्यूरिंग ओवुलेटरी फेज में। जो सेल्स होती हैं, जैसे कि ग्रैनुलेसा सेल्स होती हैं, उसको ल्यूटिन सेल्स मतलब कार्पस ल्यूटम में ये कन्वर्ट करने का भी LH काम करता है। अब हम बात करते हैं गोनेडल के। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस उसमें बता रखा है वीडियो में कि गोनेडल हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, इन्हीं के आज मैंने फंक्शंस बताए हैं। अब हम बात करते हैं कि इनका मेन जो गोनेड कौन से होते हैं, ये एक स्टेरॉयड होते हैं। ये ओनली दो ग्लैंड से ही सिक्रेट होते हैं, फर्स्ट ऑलरेडी गोनेडल से एंड सेकेंड जो होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से होते हैं। सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।